मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या? आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के पास 48 से 60 सीटें जा सकती है, ये डेटा बहुत अहम है। बीजेपी के पास 5 से 11 सीटें जा सकती है तेलंगाना की। एक तरफ अमित शाह तेलंगाना में खड़े होकर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज अमित शाह को आईना दिखा रहा है, अमित शाह के झूठ को बेनकाब कर रहा है। अमित शाह तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एबीपी न्यूज पलटी मारते हुए ये कह रहा है कि तेलंगाना में निर्दलीय उम्मीदवारों को जितनी सीटें मिलेंगी उतनी या उससे भी कम सीटें भाजपा जीतने जा रही है। तो मतलब ये कि मोदी का बाजा बजाने वाले चैनलों ने भी मान लिया है कि अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे लोगों को झूठी कहानी सुनाकर भ्रमाया नहीं जा सकता है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने ऐसा सच बोल दिया कि जिसे सुनकर अमित शाह चक्कर घिन्नी की तरह नाच जाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। एबीपी न्यूज गोदी चैनलों के अड्डे में से एक है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जैसे जैसे भक्तों की आंखें खुल रही हैं, ठीक वैसे वैसे ही एबीपी न्यूज भी जाग रहा है। मोदी और शाह के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। रूबिका लियाकत के एबीपी न्यूज से जाने के बाद अब वहां से भक्ति का मंडप लगना कम हो गया है, भले थोड़ा सा हुआ हो। एबीपी न्यूज में संदीप चौधरी की वापसी ने भाजपा प्रवक्ताओं के चूल्हे हिला कर रख दिए हैं। अनाधिकारिक रूप से भाजपा ने संदीप चौधरी का बॉयकॉट कर रखा है, क्योंकि भाजपा के भटके लालों में इतना दम नहीं है कि वो संदीप चौधरी जैसों के सवालों का सामना कर सके। तो धीरे धीरे ही सही एबीपी न्यूज में भक्ति का खुमार कम हो रहा है, और यही वजह है कि एबीपी न्यूज अपने सर्वे में थोड़ा बहुत सच बोलने की कोशिश भी करने लगा है। आपको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, उसके बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह तेलंगाना में थे और तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रहे थे, तभी दूसरी तरफ एबीपी न्यूज ने अपने सर्वे शाह और पूरी भाजपा के मुंह पर मार दिया और बता दिया कि सरकार बनाना तो दूर, मोदी और शाह मिलकर तेलंगाना के गली मोहल्ले में भी घूम ले तब भी 5 से 7 सीटें भाजपा नहीं जीत सकती है। इससे पहले होता क्या था वो आप सबको अच्छे से पता है, कैसे अमित शाह चुनावी रैलियों में ताल ठोकते हैं तो दूसरी तरफ मीडिया अपने सर्वे में शाह की भाषा बोलने लगती है। याद कीजिए बंगाल का चुनाव, जहां अमित शाह 200 सीटें जीतने का दावा करते थे, चुनावी मंच पर अब की बार 200 पार का नारा लगाते थे, और एबीपी न्यूज जैसे चैनल अपने सर्वे में भाजपा को बंगाल में सरकार बनाता दिखाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इंडिया गठबंधन के सामने मोदी और शाह की जोड़ी लाचार नजर आ रही है, और इस बात का अंदाजा इस देश की मीडिया को भी हो चुका है। और यही वजह है कि अमित शाह तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा करते हैं तो उनके सामने गोदी मीडिया ही चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है और सच्चाई से देश को वाकिफ करा देती है। एपी न्यूज की माने तो तेलंगाना में भाजपा को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 119 सीटों वाली तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन भाजपा 5 सीटों पर सिमटने जा रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 5 से 11 सीटें आ रही हैं, जिसका मतलब कि तेलंगाना में जितनी सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे उतनी ही या उससे कम सीटें भाजपा जीतने जा रही है। एबीपी न्यूज के सर्वे की माने तो कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अमित शाह के दावों की हवा कैसे गोदी मीडिया ने उड़ा दी है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।